इस स्पीड में आके जो मेरा बाइक का इंजन है वो मुझसे फिर से डिमांड कर रहा है कि मैं जो गियर है उसे चेंज कर लूं। पुश मैं यहां पे भी कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं पुश कर दे रहा हूं इसे, आप देख सकते हो कि दो गियर में भी 47 तक मैंने इसे पुश कर दिया, लेकिन उससे इंजन के ऊपर में स्ट्रेस बढ़ा, इंजन का लाइफ कम होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस राइडिंग ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बाइक को किस स्पीड में कौन से गियर में चलाना चाहिए, किस स्पीड में आपको फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाना चाहिए, सेकंड से थर्ड गियर में जाने के लिए कौन सा स्पीड सही होता है, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में प्रैक्टिकली इस बाइक को चलाकर बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि आपके बाइक का इंजन खुद ही आपको बता देता है कि उसे किस स्पीड में कौन सा गियर चाहिए, जस्ट आपका आपके बाइक के इंजन के साथ कनेक्शन होना चाहिए, वो फील होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रैक्टिकली बताने से पहले चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, जो हर एक बाइक है वो अलग अलग इंजन कैपेसिटी का आता है, कुछ 100 सीसी के बाइक होते हैं, कुछ 200, 300, 400, 500 सीसी के बाइक, 1000 सीसी तक के बाइक आते हैं। अभी जो इंजन की अलग अलग कैपेसिटी है उसके वजह से हर एक बाइक का जो इंजन है वो अलग अलग पावर और अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये जो पावर और टॉर्क है उससे ये होता है कि देखिए, अगर आप 100 सीसी के बाइक को चलाओगे तो फर्स्ट गियर में आपको 15-20 के स्पीड तक जाने के लिए भी ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा इंजन के ऊपर में, ज्यादा थ्रॉटल लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप 500, 600, 700 सीसी की बाइक चलाओगे तो आप फर्स्ट गियर में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल के भी 40-50 के स्पीड तक आसानी से जा सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि गियर रेशियो अलग अलग भी होता है, आपको पता ही है फर्स्ट गियर में हम लोग को कम स्पीड मिलता है, जैसे हम लोग गियर को बढ़ाते जाते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उससे क्या होता है गियर रेशियो भी चेंज होते जाता है, और जो टॉप गियर्स होते हैं 4, 5, 6 गियर, वहां पे जो गियर रेशियो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि देखिए, बहुत से लोग बाद में कॉमेंट करते हैं कि भाई मैं अपने बाइक को फर्स्ट गियर में 30 तक पुश कर देता हूं, मैं सेकंड गियर में 50-60 का स्पीड मिल जाता है। देखिए, यहां पे बात ये नहीं हो रही कि आप कितना पुश कर सकते हो, मैं तो अपने बाइक को 3 में 55, 60, 70 तक पुश कर सकता हूं, वो गलत है, उससे इंजन के ऊपर में प्रेशर ज्यादा पड़ता है, इंजन के पार्ट्स का जो वेयर एंड टियर है वो ज्यादा होता है। मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि आपका इंजन आपसे क्या डिमांड करता है और आपको किस स्पीड में कौन से गियर में शिफ्ट कर जाना चाहिए, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फटाफट से जो अपने बाइक उसे सेंटर में ले आता हूं वहां पे, फिर एक एक करके मैं सारे गियर्स के बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बाइक को शायद हाई स्पीड में भी चलाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग हेडफोन या एयरफोन लगा ले ताकि जो आपको आवाज़ है वो सही से आए और आप सही से इस टॉपिक को समझ सको। ओके, तो चलिए, अभी बाइक क्या है, अभी बाइक न्यूट्रल में है, मैं इसे फर्स्ट गियर में लेके जाता हूँ, अभी फर्स्ट गियर में आ गई है, अब मैं इसे चलाना शुरू करता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये है BMW G310 और इसके इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 313 सीसी का इंजन है। अब देखिए, अभी 14-15 का स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है, अब करीब करीब 20 के स्पीड में मैं आ गया हूँ, 20-21 के स्पीड में, अब जो मेरे बाइक का इंजन है वो अलग गियर की डिमांड कर रहा है, हायर गियर की डिमांड कर रहा है, ये मुझे फील हो रहा है, ये मुझे अपना जो हैंडल बार है वहाँ से फील हो रहा है कि मुझे 18-20 के आसपास में गियर को चेंज कर देना चाहिए। हालांकि मैं पुश कर सकता हूं, आप देखो मैंने पुश कर दिया, ठीक है, मुझे 30-32 तक का भी स्पीड मिल गया, मैंने पुश किया तो उससे, लेकिन वो गलत है, उससे इंजन के ऊपर में स्ट्रेस पड़ रहा है, तो मेरा बाइक का जो इंजन है मुझसे कह रहा है 18-20 के स्पीड के आसपास कि भाई गियर को चेंज कर दो। आपको ये फील होगा कि जितना आप थ्रॉटल दे रहे हो, जितना आप एक्सेलरेटर ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बाइक से स्पीड नहीं मिल रहा है, इंजन से यानी कि ओवरऑल पूरे बाइक से भी आपको स्लाइटली बहुत ही कम लेवल पे लेकिन एक वाइब्रेशन सा फील होगा, चलाते वक्त स्मूथनेस फील नहीं होगा। तो मैंने दो गियर ले आया, अब दो गियर में स्मूथनेस फिर से वापस आ गया है, जो इंजन है वो मेरा खुश है इस स्पीड में इस गियर के साथ, तो मैं थोड़ा सा पुश करके देखता हूं कि दो गियर के बाद थर्ड गियर की डिमांड जो मेरे बाइक का इंजन है वो मुझसे कब करता है। अभी करीब करीब 30 का स्पीड है, ठीक है, तो फ्रेंड्स यही मैं अभी तक ठीक है, तो इस गियर में मतलब यहां स्पीड में आके करीब करीब 33, 34, 35 इस स्पीड में आके जो मेरा बाइक का इंजन है वो मुझसे फिर से डिमांड कर रहा है कि मैं जो गियर है उसे चेंज कर लूं। पुश मैं यहां पे भी कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं पुश कर दे रहा हूं इसे,
आप देख सकते हो कि दो गियर में भी 47 तक मैंने इसे पुश कर दिया, लेकिन उससे इंजन के ऊपर में स्ट्रेस बढ़ा, इंजन का लाइफ कम होता है। तो जो ये बाइक है ये मुझसे डिमांड कर रहा है, जो बाइक का इंजन है वो मुझसे कह रहा है, राइडर से वो कह रहा है कि भाई 33, 34, 35 के आसपास में मुझे आप थर्ड गियर पे ले आओ। अब देखिए मैंने थर्ड गियर डाल दिया है, तीन गियर है, अब मैं थोड़ा सा चला के देखता हूँ कि थर्ड गियर में मुझे कब तक स्मूथनेस फील होता है, मैं वो ट्राई करता हूँ। ठीक है, थोड़ा पुश करता हूँ मैं बाइक को, अभी तक ठीक है, ओके, अभी तक ठीक है, अभी तक कोई उतना खास दिक्कत नहीं है, लेकिन यही आसपास में यानी कि 47, 48, 49, 50 के आसपास ये जो है यानी 45 से जो 50 तक का स्पीड है, इसमें फिर से मेरा जो बाइक का इंजन है वो मुझसे डिमांड कर रहा है हायर गियर्स का। मैं पुश तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ लेकिन वो गलत हो जाएगा, यानी वही 45 से 50 के बीच में मेरा जो बाइक का इंजन है वो फिर से डिमांड कर रहा है नेक्स्ट गियर का, तो मैं चार गियर डाल देता हूँ। अब मैं चार गियर में आ चुका हूँ, ओके, अब यहाँ पर थोड़ा स्मूथनेस फिर से आ गया है, जो बाइक का इंजन है वो इस टाइम पे स्मूथली रन कर रहा है और इंजन राइडर से खुश भी है इस टाइम पे। थोड़ा सा और पुश करके देखता हूँ कि मुझे नेक्स्ट गियर का डिमांड कब आता है मेरे इंजन से, ओके। तो फ्रेंड्स कभी करीब करीब 55 का स्पीड अभी आ गया है, अभी भी स्मूथनेस है इंजन में, लेकिन जैसे ही मैं 55 से प्लस जा रहा हूँ 56, 57, 58 का स्पीड में आ रहा हूँ, ओके, तो इस स्पीड में फिर से जो मेरे बाइक का इंजन है वो मुझसे नेक्स्ट गियर की डिमांड कर रहा है, वो चाह रहा है कि मैं पांचवें गियर पे डाल दूं, पुश करके मैं अभी चार गियर में इसे, आप देख सकते हो पुश करके मैं अपने बाइक को चार गियर में 70 तक भी टच कर सकता हूं, लेकिन वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा, फ्यूल का भी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो स्पीड है 55 से 60 का, इसमें मेरे बाइक का जो इंजन है वो मुझे फिफ्थ गियर की डिमांड कर रहा है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसे फिफ्थ गियर में डाल लेता हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैंने पांचवें गियर में डाला है फिर से स्मूथनेस वापस आ गया है, स्मूथली जो बाइक है वो फिर से रन कर रहा है, ओके। तो मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट जो मेरा टॉप गियर इस बाइक का छठा गियर है उसका डिमांड मेरे बाइक का इंजन कब करता है। अभी तक स्मूथली हो रहा है, अभी तक मुझे रिक्वायरमेंट वैसा फील नहीं हो रहा, अभी तक स्मूथ है ये। जैसे ही मैं 75 प्लस जा रहा हूं तो मेरा जो बाइक का इंजन है वो फिर से मुझे डिमांड कर रहा है, वो मुझे हैंडल बार से फील हो रहा है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है इंजन के ऊपर में। तो 75 प्लस में जो मेरे बाइक का इंजन है वो सिक्स्थ गियर की डिमांड कर रहा है कि मैं छठे गियर पे अपने बाइक को डाल लूं, ओके। देखिए छठे गियर पे मैंने डाल लिया है, अब फिर से इंजन स्मूथली रन कर रहा है, इंजन के ऊपर में स्ट्रेस नहीं है, इंजन के ऊपर में लोड कम पड़ गया है क्योंकि गियर रेशियो जो है वो हाईएस्ट हो गया है, इस वजह से अभी ये स्मूथली आगे भाग रहा है, अभी सब कुछ फील बढ़िया हो रहा है, वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही कम हो गया है, मैं अगर छठे गियर पे चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने खुद ही देखा, मैंने प्रैक्टिकली आपको अच्छी तरह समझाया, ये आपको जस्ट आपके बाइक का जो इंजन की जो भी कैपेसिटी है, जितने सीसी का भी इंजन है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से वो फील हो जाएगा कि हाँ आपको गियर चेंज करना है। बहुत ज़्यादा आपको पुश नहीं करना चाहिए, सही टाइम पर गियर को चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, अगर मेरे बाइक का जो इंजन है मुझसे डिमांड कर रहा है कि 75 प्लस मुझे सिक्स्थ गियर में जाना है, कोई ज़रूरी वैसा नहीं है, अगर मैं 60, 70 में भी यानी कि 55, 65 के स्पीड में भी अगर छठे गियर में चला जाऊं तो वो ठीक है क्योंकि मैं हाई स्पीड में जा रहा हूं। लेकिन अगर कम गियर की बात करें यानी कम स्पीड की बात करें, अगर 25-30 का स्पीड है वहां पे अगर आप 4 गियर 5 गियर में चलाओगे तो वो दिक्कत वाली बात है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट मुझसे जितना हो सका मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने का कोशिश किया इस वीडियो को, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझने में हेल्प हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, साथ ही आप इंस्टाग्राम में भी चैनल को फॉलो
फॉलो कर ले, मैकेनिकल टेक हिंदी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।